प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश होने के कारण लोग बेहाल हो चुके हैं। मामला करनाल का है, जहां बारिश का पानी जगह जगह भर गया, लोगों का घरों से बाहर आना तक मुश्किल हो गया, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सोया हुआ है। रिपोर्ट। बारिश होते ही प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है। प्रदेश में लोग बारिश होने का इंतजार करते रहते हैं, तो वहीं लोग बारिश के पानी से परेशान होकर सड़कों पर भी उतर आते हैं। लोग प्रशासन से ना जाने कितनी उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं, लेकिन बारिश आते ही उनकी उम्मीद खोखली नजर आती है। ऐसा ही आलम करनाल के कल्पना चावला सरकारी अस्पताल में बना हुआ है, जहां लोगों को सरकारी क्वार्टर्स में पानी की निकासी ना होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के हालात ये हैं कि अब वहां डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, तो वहीं लोगों का आरोप है कि इस कदर बदहाली के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही। अब मजबूरन लोगों को नारेबाजी कर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ रही है। मैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स हूँ और मेरा भी यहाँ पर 9 नंबर क्वार्टर है ब्लॉक 1 में। ये सारी समस्याएं जो अभी हमें दोहराई गई हैं, अभी ये सारी प्रॉब्लम है कि हमें आने जाने में दिक्कत आती है। हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह तो सब गीले होके, अभी मेरे बच्चे दोनों गए हैं तो दोनों सॉक्स उतार के विदाउट सॉक्स पहन के स्कूल में पहुंचे हैं। वो लोग मैम भी उनको बोल रही कि तुम सॉक्स क्यों, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पानी में उनके पैर गीले हो गए तो उनको ऐसे जाना पड़ा और वो आए भी ऐसे, उनके पैर गल गए। मेरे बेटे के पैर बिल्कुल नीचे से गला हुआ था, वो बोल रहा था मम्मा ऐसे ऐसे हुआ, और ये प्रॉब्लम सबको सहनी पड़ रही है। लोगों के घरों के बाहर पानी भरा हुआ है, प्रशासन के पास उनकी सुध लेने का वक्त तक नहीं है। लोग बेहाल होकर सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे में ये लोग आखिर जाएं तो कहां जाएं? हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से कमलजीत की रिपोर्ट।